अविरल गंगा जल साक्षरता यात्रा दिवाली के दिन 27 अक्टूबर को तरुण भारत संघ भीकमपुरा से शुरू की। यह यात्रा 25 नवंबर 2020 तक देश भर के सभी शहरों में और जिलों में जाएगी, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। हमने ऐसा प्लान किया है कि 101 टोलियां बनाएंगे जो नदी के उद्गम से लेकर और संगम तक यात्राएं करेंगी। ये टोलियां 101 नदियों की यात्रा करके फिर तरुण भारत संघ भीकमपुरा में अगले साल देव उठनी 11 पर 25 नवंबर से पहले 20 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक के बीच एक सम्मेलन करेंगे। इस देश में नदी जोड़ की बातें तो बहुत हो रही है, वो तो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा और संकट है। नदी जोड़ के बजाय नदियों से लोग जुड़ जाएं, इसलिए हमने सारी नदियों को गंगा माना है। पर यदि गंगा बच जाएगी तो फिर और सब नदियों में भी बचने का काम और कानून का काम शुरू होगा। हमारी इच्छा है कि गंगा पर जो बांध बन रहे हैं वो बांध ना बने, वो रद्द कर दिए जाएं और आगे नए बांध बनाने का कोई प्लान ना हो, और गंगा को जो हिमालय की हरियाली है और माँ गंगा की पवित्रता है, इन दोनों के रक्षण के लिए और गंगा का गंगत्व बचाने के लिए, गंगा का ब्रह्मसत्व बचाने के लिए, गंगा का बायोफाज बचाने के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को गंगा की निर्मलता के लिए अविरलता करना जरूरी है। अविरलता के बिना माँ गंगा निर्मल नहीं होगी। अब तरुण भारत संघ नदियों के विज्ञान को समझता है, तरुण भारत संघ तालाब और नदी के रिश्ते को जानता है। तालाब का पानी यदि साफ होगा तो धरती के पेट को पानी से भर के नदी को प्रवाह देगा। इस तरह के इस काम को देश को जरूरत है, और ये काम सबसे पहले गंगा में शुरू होना चाहिए, क्योंकि गंगा भारत की आस्था, गौरव और एक तरह से लोगों की भक्ति का केंद्र रही है। इसके साथ भारत का समाज जुड़ा हुआ। आज हम नदियों से कट गए हैं। स्वामी सानंद जैसे संत, इस देश के बड़े वैज्ञानिक, अपने माँ के लिए प्राण दिए, लेकिन इस देश में उनके जाने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। इसलिए अब हमने ये तय किया है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपने तरुणों को और किशोरों को गंगा और नदियों के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसमें से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा समाज खड़ा हो और अपनी नदियों के लिए एक अच्छा कानून बनवाने के लिए लड़े, अपनी नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाने के लिए काम करें। और जिस तरह से राजस्थान में हमने मरी हुई सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया है, ऐसे ही हमारा समाज जगह जगह नदियों को पुनर्जीवन के काम में जुटे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं।